दक्षिण पूर्व ग्राम बुद्ध नगर में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापामारी करने गई पुलिस टीम पर अपराध कर्मियों के द्वारा गोलीबारी की गई। वैधानिक चेतावनी के उपरांत पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली की गई। फायरिंग में एक अपराध कर्मी प्रिंस कुमार की मृत्यु होने की सूचना है। तीन अपराध कर्मियों विशाल सिंह, सोनू कुमार तथा रूपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लोडेड पिस्तौल, खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। मृत प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पास के ही सीमावर्ती मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के कांड संख्या 165/19 तथा दूसरा कांड है 226/22 उत्पाद अधिनियम का, उस कांड में आरोपित रहे थे। और साथ ही साथ एक तीसरा कांड है जो कि 598/22 नानपुर थाना का, यह रंगदारी और 307 का कांड है, इसमें भी वांछित। इसके अलावा जो अपराधी पकड़े गए हैं विशाल सिंह, उसकी भी जो है आपराधिक इतिहास होने की सूचना है। सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, घटना स्थल की सर्च जारी है, मजिस्ट्रियल जांच नियमानुसार जो नियम है उसके तहत की जाएगी और आगे जो अंत परीक्षण है वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जो नियम है इसमें उस नियम के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी, आगे कोई अपडेट होगा आपको बताएंगे। इसके अलावा जो कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत जो हथियार तस्कर हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती थी। भागलपुर के गोपालपुर में हथियार तस्कर, जो भागलपुर का कुख्यात हथियार तस्कर है सुमन चौधरी, उसको उसके साथ सहयोगी अपराध कर्मियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 18 अवैध हथियार, 88 गोली, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 25 अर्धनिर्मित बैरल और नकद करीब 2,500 रुपये बरामद किए गए। इस प्रकार से बहुत बड़े अपराध तस्करी गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया और किसी भी संभावित घटना, क्योंकि इन हथियारों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं अपराध के लिए ही होता, इसलिए उन पूरे हथियार के जखीरे को पकड़कर बहुत बड़ी घटना को होने से बचाया। इधर पिछले कुछ दिनों में जो हमारी मुख्य उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। मधेपुरा जिले, बेगूसराय जिला, मुजफ्फरपुर सदर, भागलपुर और पटना गौरीचक में मुख्य उपलब्धियां हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। मधेपुरा में 15 मार्च को एसटीएफ के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से मधेपुरा के 15,000 रुपये के घोषित इनामी अपराध कर्मी प्रमोद यादव को गिरफ्तार किया गया, जो हत्या रंगदारी के 5 कांडों में वांछित था। बेगूसराय मुफस्सिल में 16 मार्च को हत्या और डकैती की योजना बनाते हुए 4 प्रोफेशनल अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से भी अवैध आग्नेयास्त्र और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। वहीं तीसरे जिले मुजफ्फरपुर सदर में 17 और 18 मार्च की शाम को रात्रि में रंगदारी को लेकर हार्डवेयर के दुकान पर फायरिंग करने वाले अपराध कर्मियों का उद्भेदन करते हुए 5 अपराध कर्मियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर मुजाहिदपुर में रंजिश में कल्लू उर्फ इमरान को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गई, 2 दिनों के बाद 28 फरवरी को उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। घटना करने वाले 2 अपराध कर्मियों मोहम्मद अफसार और मोहम्मद अदनान को भागलपुर पुलिस के द्वारा 19 मार्च यानी कल गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन हुआ। पटना के गौरीचक में तिरुपति ट्रांसपोर्ट गौरीचक के द्वारा लगभग 43 लाख रुपए के भेजे गए माल की डिलीवरी वहां नहीं होने पर पुलिस को उसी सूचना दी गई और सूचना देने पर हमने इसका कांड दर्ज किया। 13 मार्च को सूचना दी गई, 4 मार्च को सामान भेजा गया था, जब सामान नहीं पहुंचा तो हम लोग को सूचना दी गई, कांड दर्ज किया गया, विशेष अनुसंधान टीम इसमें लगाई गई और उसके उपरांत उड़ीसा राज्य के राउरकेला से ट्रक चालक सहित 5 अभियुक्त, हिंदुस्तान लीवर का पूरा माल, ट्रक, स्कॉर्पियो, सेंट्रो कार, 60,000 रुपये नकद इत्यादि बरामद करके एक अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन करते हुए पूरे की पूरी बरामदगी की गई। ये हमारी विशेष उपलब्धियां रही हैं। और कोई प्रश्न है तो बताएं। गौरीचक मार्च का मामला सर, एक मामला प्रकाश में आया है जो कि एक बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है सर, क्या पुलिस पर भी कार्रवाई ना कहीं पे जगह पर?
देखिए आपको बता दें, पटना के बेटा में शिक्षक पुत्र थे तुषार राज, जिनके घर से गायब हो जाने वापस नहीं लौटने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस के द्वारा तत्काल जो भी कार्रवाई हो सकती थी उसके आधार पर जो भी सबूत मिलते थे उसके लिए अलग अलग टीम बनाई। एक टीम जो है वो आसपास के इलाके के लोगों से पूछताछ करना, दूसरी टीम जहाँ ये बच्चे पढ़ते थे, बच्चा पढ़ता था वहाँ के लोगों से टीम, और तीसरी टीम जो है तकनीकी सर्विलांस की टीम थी, उसके आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इसी क्रम में इस घटना का उद्भेदन हुआ, परंतु ये अत्यंत दुखद रहा कि उस बच्चे की हत्या उस अपराध कर्मी के द्वारा तुरंत ले जाने के बाद कर दी। और जब हमने उस मुकेश कुमार नामक अपराधी को पकड़ा तो सारी बात पता चली कि वो शिक्षक का काम करता था और उसने इस बच्चे को भी पढ़ाया था, उसकी बहन को भी पढ़ाता था, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं। और ये कर्ज में डूब गया था, इसकी अपनी कोचिंग और बाकी शिक्षण संस्थान वगैरह चलाते थे, और उस कर्ज के रुपए को चुकाने के लिए इसके दिमाग में इस तरह का गलत ख्याल आए और उसके तहत ये बच्चे को ले गया। चूँकि ये घर में सभी को जानता था, इसलिए इसको अब ये भय हो गया कि अब इसकी पहचान खुल जाएगी, तो उसने बच्चे की हत्या कर दी। और बाद में उसी के मोबाइल फ़ोन से, मतलब जो बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन था, उसी के मोबाइल फ़ोन से घर पर मैसेज भेज करके या व्हाट्सएप से भेज करके कि हमको पैसे की डिमांड कर रहा था। पूरी घटना का उद्भेदन कर दिया गया है और इसमें वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया जो बच्चे का था। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस घटना का पूरा उद्भेदन कर लिया गया। सर, जो अपहरित बच्चा है उसके जो परिजन है वो इमीडिएट, मतलब उसी समय जिस समय बच्चा गायब हुआ था उसी समय थाना पहुंचे अपना आवेदन लेकर अपनी बातों को लेकर, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनको वहां से कहा जाकर भगा दिया गया, अगले दिन उनको आने के लिए कहा गया। इसको लेकर सर आज भी वहाँ नहीं, ऐसी किसी आक्रोश की मुझे सूचना नहीं है। आपने जो सूचना दी है उसका मैं ग्रहण करता हूँ और वरीय पदाधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मेरी जो जानकारी है इसमें पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग लेवल पे लगातार काम कर रही थी, अगर किसी की कोई शिथिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मुजफ्फरपुर में जब टाइम बम पकड़ा गया था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट डेट था वो पिछली बार आपको दिया था कि जहाँ पर ये टाइम बम जैसा एक इक्विपमेंट मिला था, उसके बाद में उसके जो मुख्य भाई था उसको भी कलकत्ता से हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, और अब उसमें अनुसंधान किया जाएगा और जो बात सामने आएगी वो हम लोग चार्जशीट में रखेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें क्या डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर दोनों बता देते हैं। मुजफ्फरपुर के चिकित्सक पुत्र विवेक कुमार लगभग 26 वर्ष की अपहरण की सूचना मिली थी, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई की गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए चार अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। भोजपुर से जो है इस बच्चे को भी रिकवरी कर लिया गया सकुशल, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो गई है। और जो आदित्य कुमार रवि करके नाम का एक किराएदार था और वो भी कर्ज में डूब गया था सट्टेबाजी के कारण, जैसा अभी अनुसंधान के क्रम में आया, उसके द्वारा अपने आरा के मित्रों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया और इसको किडनैप करके वो आरा ले गए। आरा में इसकी रिकवरी कर ली गई, वो गाड़ी भी बरामद हो गई। तो कुल मिलाकर के इस कांड का उद्भेदन हो गया। आपने पूछा है जो पटना के डॉक्टर संजय के मामले में अभी कोई फिलहाल ताज़ी जानकारी नहीं है। पटना पुलिस सभी मामलों पर, सभी जो एंगल हैं उस पर जांच कर रही है। उनकी गाड़ी आपको पता है कि गंगा ब्रिज पर पहले ही रिकवरी हो गई थी, दो मोबाइल फ़ोन जो उनके थे उसमें मिल गए हैं, और अब कई सारे कोणों पर उसकी जांच की जा रही है। अखबार वगैरह में इश्तहार भी दिया गया है, उनके बारे में कोई भी सूचना हो तो उसको हम लोग ग्रहण करेंगे, पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। और भी बहुत सारे तकनीकी अनुसंधान जो बचे हुए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, बाकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप कॉल इत्यादि जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, जिससे कि कहीं पुलिस को लीड मिल सकती है, वो सारे पुलिस जाँच कर रही है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई हुआ है नहीं हुआ है, उन सभी के बारे में भी बैंकों से बहुत सारे पत्राचार हुए हैं, जांच की जा रही है। वरीय स्तर पर इस मामले का अनुश्रवण किया जा रहा है। स्वयं आईजी पटना और एसएसपी पटना इस कांड के उद्भेदन के लिए प्रयत्नशील हैं, संवेदनशील हैं
और लगातार कार्रवाई कर। देखिए अभी चूंकि ये चिकित्सक का मामला है, एक प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और घर में ये बोल के गए थे कि मैं तुरंत वहाँ जा रहा हूँ लौटूंगा, तो अभी हम लोग कोई एंगल इस पे बता पाने की स्थिति में नहीं है। कान का अनुसंधान हर एक बिंदु पर चल रहा है, जैसा आपको बताया, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या जो भी एंगल हो सकते हैं सब पर हम लोग जाँच करें, कोई आगे तथ्य आएगा आपको मैं अवगत कराऊँ। सर, तमिलनाडु पुलिस आई हुई फर्जी वीडियो मामले की जाँच में, तो क्या देखिए आपको पता है कि तमिलनाडु में जो बिहार के निवासी कामकाजी लोग वहाँ रहते थे, उस प्रकरण में जो वीडियो वायरल हुए उसमें तमिलनाडु में एक दर्जन, लगभग हो सकता है और भी कांड दर्ज हुए हों, लगभग एक दर्जन कांड वहाँ दर्ज हुए। उनकी टीम लगातार कई राज्यों में कैंप कर रही है, कार्रवाई कर रही है। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भी 3 कांड दर्ज किए गए हैं, 3/2023, इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। दूसरा कांड था 4/2023, इसमें 1 गिरफ्तारी हुई है। तीसरा कांड है 5/2023, इस कांड में भी 1 गिरफ्तारी हुई है। जो अभियुक्त थे उनके, मनीष कश्यप, गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के दौरान जगदीशपुर ओपी में आत्मसमर्पण कर दिए जाने की सूचना है। अब इस अभियुक्त को आज न्यायालय में रिक्वेशन दिया जा रहा है कि हम लोग रिमांड पर लेंगे और आगे पूछताछ करेंगे। तमिलनाडु पुलिस भी आई हुई है, वो भी अपनी आवश्यक पूछताछ जो करना है नियमानुसार करेगी, और उसके कांड में अगर कोई साक्ष्य है तो वो अपने नियमों, अपने साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करेगी। आर्थिक अपराध इकाई की इस मामले में जाँच जारी है और जब कोई डेवलपमेंट आगे आएगा आपको अवगत करेंगे। नहीं, पहले हमारे यहाँ ट्रांजिट रिमांड है, पहले हमारे ट्रांजिट रिमांड है, हम लोगों ने ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन दिया है, तो जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे।